एपिसोड शुरू होता है और सेना बोलती है, तो क्या हमारे दुश्मनों के लीडर मेरे डैड हैं? फ्रेंच कहता है, हाँ, और वो UNIGM पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के वाइस डायरेक्टर भी हैं। सेना मन में बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे डैड जिंदा हैं? वो तो 10 साल पहले मर गए थे, लेकिन मैं तो उस वक्त वहाँ पर थी ही नहीं, तो मुझे अपने डैड का मरना याद कैसे है? फ्रेंच कहता है, गेनाई फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने का सोच रहा है, मुझे उससे अपना इनाम भी लेना है, तो मैं तुम्हारा नाइट बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है कि तुम सब कुछ चेंज कर दोगी। सीन शिफ्ट होता है, मारी बोलती है, कॉर्नल जैसे कि आपने 5 स्पिरिचुअल लोकेशन प्रिडिक्ट की थी, इबुकी, ईसे, कुमानो, मोटोइस और आवाजी, इनमें से ईसे और कुमानो की प्रिस्टेस की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये कहता है, आवाजी में भी ऐसे कुछ हुआ है। अब ये लोग मैप में देखते हैं कि इसमें एक रिवर्स पेंटाग्राम फॉर्म होता है जो कि उल्टा स्टार जैसा दिखता है, और एक लाइन जो कि ले लाइन है, और ये ले लाइन इजुमे के स्पिरिचुअल लोकेशन से माउंट फूजी तक कनेक्ट होते हुए जाती है। योशिसु ने बताता है कि होशिमी एजेंसी में ये लोग माइंड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में रिसर्च कर रहे थे। इनके रिसर्च में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो और ले लाइन इंक्लूड थे। योशिसु ने कहता है, ये 5 ले लाइन और ये रिवर्स पेंटाग्राम एक नेचुरल जाइंट वैकोन कॉइल फॉर्म करती है जो कि लोगों की इच्छा को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। यो कहती है, एक बार वो जब इजुमो से फूजी के बीच के सारे प्रिस्टेस को मार देगा तो वो वैकोन कॉइल को एक्टिव करके गेट ओपन कर देगा। योशिसु ने कहता है, अगर गेनाई ने जो कहा था वो सच है तो इजी और सेना इस काम को पूरा करने के लिए उसकी मेन चाबी है। फिर ये कहता है, यामागुची के ऑर्डर को बुलाओ। अब सीन शिफ्ट होता है, हाटोरी कहता है, आज तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, मैं पब्लिक सेफ्टी डिवीज़न के वाइस डायरेक्टर से तुम्हारी मीटिंग 6 बजे स्केड्यूल कर दूंगा, और फिर हम पूरी दुनिया को होशिमी आईजी और ग्रेट डिस्ट्रक्शन का सच बता देंगे। अब यह यहाँ से चले जाता है। रीन कहती है, हम दुश्मन के बॉस से मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? सेना कहती है, हम वाइस प्रेसिडेंट को मनाएंगे। नेक्स्ट सीन में सेना कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन कॉल नहीं लगता क्योंकि हाटोरी ने सारे नेटवर्क कनेक्शंस बंद कर दिए होते हैं, और जो फ़ोन इन्होंने किसी से मांगा था उसमें भी सिम नहीं होती है। रीन कहती है, लेकिन हम इसमें गेम्स और बाकी ऐप चला सकते हैं। सेना कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम मेरे भाई को बचा सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। सेना कहती है, मुझे डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपेयर करना है जो कि मैं एनिमी लीडर के खिलाफ यूज़ करूँगी। रीन कहती है, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम उस मीटिंग में कुछ भी कहो, हाटोरी इन्फो को जितना चाहे उतना मैनिपुलेट कर सकता है। ये कहती है, हाँ, लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। अब ये लोग होटल का खाना खाते हैं जो दोनों को बहुत ही पसंद आता है। खाने के बाद सेना कहती है, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और मैं इसको बात के लिए रिकॉर्ड करूंगी। रीन मान जाती है। अब सेना बोलती है, होशिमी एजेंसी ने ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया, ना कि मेरे भाई ने। होशिमी गैन आई इस सब का जिम्मेदार थे, है ना? प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है। सीन शिफ्ट होता है, ये तीनों अब गेनाई से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। सेना मन में बोलती है, मुझे अपने बड़े भाई को बचाना है, और अगर मुझे ऐसा करना है तो ये मीटिंग मैं एक बंद कमरे में नहीं होने दे सकती, क्योंकि ये लोग मीटिंग में बोली गई सब चीज़ें अपने हिसाब से बदल देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह मीटिंग सब लोगों के सामने हो, ताकि इसमें कोई भी बदलाव न किया जा सके। अब ये तीनों जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग गेनाई से सवाल कर रहे होते हैं कि क्या ये सब सच है, क्या आपने होशिमी आईजी की बहन को अपने पास रखा हुआ है, क्या ये सच है कि आप उन दोनों के फादर हैं? हाटोरी सेना से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये कहती है, प्रेस वालों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। रीन फ्रेंच से कहती है, इसने गेनाई के बारे में मेरे आंसर्स रिकॉर्ड करे थे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बाइक मैसेंजर की मदद से ये इन्फो प्रेस वालों तक पहुँचा देगी। गेनाई बोलता है, मैंने अपनी बेटी को 10 साल से नहीं देखा है, क्या तुम सब लोग साइड हटोगे? और फिर यह सेना के पास जाने लगता है। सेना इसे देख के सोचती है, क्या ये होशिमी गैना ही है? ये मेरे डैड जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, ये मेरे डैड नहीं है। गैना इसके पास आता है और गले लगते हुए कहता है, तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया है सेना, तुम सेफ हो, ये देख के मुझे खुशी हुई। फिर ये कहता है, सेना, क्या तुम जानती हो कि मैंने ओसाका कैसल को ही मीटिंग के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारी मॉम की फैमिली यहाँ पास में रहती है, तो तुम लोग यहाँ आया करते थे। सेना सोचती है, इसे ये सब कैसे पता? फिर ये कहता है, तुम्हें 10 साल तक अकेला छोड़ने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का रीज़न था। सेना कहती है, क्या तुम एंड तक मेरे डैड होने का दिखावा करना चाहते हो? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। फिर ये कहती है, प्रेस वाले और सभी लोग ये ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि होशिमी एजेंसी के बारे में है।
फिर यह कहती है, प्लीज़ डैड, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के सामने सच बोलें। ग्रेट डिस्ट्रक्शन मेरे भाई की गलती नहीं थी। आप होशिमी एजेंसी के डायरेक्टर थे और ऑर्डर्स को आपकी रिसर्च ने जन्म दिया। सारे प्रेस वाले फिर आपस में बात करने लगते हैं, ये ऑर्डर्स पे कौन से रिसर्च की बात कर रही है, क्या ग्रेट डिस्ट्रक्शन होशिमी आईजी ने नहीं करा था। सेना कहती है, नहीं, मेरे भाई ने कभी भी दुनिया को तबाह करना नहीं चाहा। जब उसे ऑर्डर की पावर मिली तो वो बस ओवर एक्साइटेड हो गया था। सेना मन में बोलती है, अब होशिमी एजेंसी का एग्जिस्टेंस और ऑर्डर्स का सच सबके सामने आ गया है। अब जो भी नफरत मेरे भाई को मिली थी वो अब किसी और को मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। योशिसु ने कहता है, ये सब करना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन इससे हमारा नुकसान होगा। ये ब्रॉडकास्ट देखने के बाद इजीमा जरूर जाएगा। फिर ये बेनकाई को मोटोइस के प्रिस्टेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता है और कागेकियो को इन्होंने माउंट एब्यूकी के प्रिस्टेस को बचाने भेजा होता है। फिर यह कहता है, मैं और ये ओसाका जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, सेना कहती है, अब तुम क्या करोगे। गैनाई कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सेना, मैं मानता हूँ कि होशिमी एजेंसी एग्जिस्ट करती है और ये मेरी ही गलती है कि इस दुनिया में ऑर्डर्स आए। मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभी भी सच यही है कि ईजी की वजह से ये सब हुआ, लाखों लोगों की जान गई। ये सेना की आंखों में देखता है और इसकी आंखों में एक लाइट चमकती है जो सेना की आंख में भी चमकने लगती है। अब ये कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है ना। सेना कहती है, हाँ। सेना सोचते ही है, मैं क्या बोल रही हूँ। फिर ये कहता है, और ईजी ने क्यूशू को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया है और अभी भी हमला करने का सोच रहा है। ये कहती है, ये सब माफ़ी के लायक नहीं है। गैनाई कहता है, हमारे पब्लिक सेफ्टी डिवीज़न ने होशिमी आईजी का पर्दाफाश कर दिया है और क्यूशू फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने का प्लान बना रहा है। सेना कहती है, मेरा भाई फिर से बहुत लोगों को मारने वाला है। ये कहता है, हाँ, आईजी फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने का सोच रहा है, तो उसके डैड होने के नाते और पब्लिक सेफ्टी डिवीज़न का मेंबर होने के नाते मुझे उसे रोकना होगा। ये कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर ये सोचती है, मैं ये सब क्या बोले जा रही हूँ। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें गैनाई जब इसे गले मिल रहा था तो कुछ बोलता है। ये कहता है, होशिमी एजेंसी के बारे में पूरी दुनिया को बता दो और उसके बाद मैं जो भी बोलूँ उसमें बस हाँ मिलाना। अब सेना सोचती है, तो क्या ये मीटिंग और ये डिस्कशन सब कुछ इसके प्लान का पार्ट था। सब लोग ये ब्रॉडकास्ट देख के कहते हैं, होशिमी आईजी को मारो। योशिसु ने कहता है, ये सब सही नहीं हो रहा है, अभी ज़्यादातर ले लाइंस खुली हुई है, अगर ऐसे ही रहा तो आईजी को लेकर जो पूरी दुनिया की नफरत है वो वैकन कॉइल में फ्लो करने लगेगी, यही उस मीटिंग का मेन मकसद था। ईओ कह दिया, कर्नल, ईजी ओकासा कैसल जा रहा है, आया हीटो ईजी को ओसाका कैसल ले आया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, गैनाई कहता है, तो तुम्हारा प्लान कैसा रहा। सेना कहती है, तुम नीच इंसान हो, तुम मेरे डैड बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। ये कहता है, सेना मेरे साथ चलो, तुम्हारे डैड होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। सेना मन में बोलती है, सॉरी बिग ब्रदर, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में ये तीनों भाग रहे होते हैं, इनके सामने यागियो जूबी आ जाता है। हाटोरीची कहता है, मेरी मदद करो जूबीची, इस लड़के ने मुझे डोमिनेट कर रखा है और मुझे इधर उधर ले जाने में है। ये कहता है, जो वॉरियर दुश्मनों से सामने झुक जाए उसे सिर्फ मरने का हक है। अब ये हमला करने वाला होता है लेकिन ये तीनों आहेटो की मदद से कहीं और चले जाते हैं। हाटोरी कहता है, गैनाई, ईजी हमारी तरफ कोई आ रहा है। अब यहाँ पर रीन और फ्रेंच सेना को बचाने के लिए आ जाते हैं। हाटोरी इन्हें रोकने आ जाता है तो रीन अपनी स्वॉर्ड निकालती है और इसी गर्दन पर रख देती है। ये कहती है, तुम्हें मुझे डोमिनेट करने के लिए टच करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गैनाई कहता है, हाटोरी तुम कुछ मत करो। लिफ्ट खुलती है और अब ईजी और सेना दोनों आमने सामने होते हैं। ईजी इसकी तरफ भागते हुए आता है लेकिन तभी इन दोनों के बीच में एक वॉल जैसी फॉर्म हो जाती है। इस दौरान ईजी का हाथ और पैर दोनों कट जाते हैं। ये सब यागियो जूबे ने अपने डिमेंशन स्वॉर्ड यूज़ करके करा होता है। ये पूरी बिल्डिंग दो हिस्से में कट जाती है। गैनाई कहता है, ईजी, हमारी फैमिली को ऐसे एक साथ देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। ये कहता है, तुम मेरे डैड नहीं हो। अब गैनाई इसे कहता है, अगर ये इसके साथ मिल जाए तो सेना हमेशा इसके साथ रह सकती है। ईजी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलता है, सेना कुछ टाइम में मरने ही वाली है तो मैं इसकी लाइफ का यूज़ अपनी रिसर्च में करूँगा। मैं सेना की लाइफ को गेट खोलने में यूज़ करूँगा और तुम भी इस काम को पूरा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस हो। तुम दोनों के दोनों मेरे प्लान के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ईजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ये कहता है, सेना मरने वाली है, ऐसा कहने की आगे से हिम्मत मत कर देना। सेना कहती है, बिग ब्रदर, यहाँ से भाग जाओ, मैं ऑलरेडी हार मान चुकी हूँ। ईजी नीचे गिर जाता है और गैनाई सेना को लेकर यहाँ से चले जाता है।
एजी सोचता है, अगर सेना ने हार मान ली है तो क्या मुझे भी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप कोई रीज़न ही नहीं है। फिर ये कहता है, नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। एजी अपनी पावर से अपने कटे हुए हाथ और पैर को डोमिनेट कर लेता है। जुबे कहता है, क्या मैं इसके पास वापस जाऊँ? गैनाई कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो इसके बचे हुए पार्ट्स भी काट सकते हो। अब जुबे एजी के पास वापस आ जाता है। एजी अपनी पावर्स यूज़ करता है और कहता है, हयाकी मोमो टारो, ओर्स ड्राइव यूज़ करो। तभी बहुत सारे लोग फॉर्म हो जाते हैं। एजी अब इनके साथ जुबे की तरफ बढ़ता है। जुबे भी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करता है, लेकिन एजी को कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्वॉर्ड डायमेंशन में काटती है, लेकिन इसके आसपास का एरिया सेफ रहता है। तो एजी इसके एरिया में था तो इसलिए इसे कुछ भी नहीं होता है। एजी इसे पंच मार के गिरा देता है। गैना यहाँ पर आता है और कहता है, तुम्हें चोट लगने के कारण इस लड़ाई को ड्रॉ कर लेते हैं, अगर तुम्हें सेना की खुशी चाहिए तो मेरे पीछे आओ। इतना कह के यहाँ से चले जाता है और ये बिल्डिंग भी टूट जाती है। नेक्स्ट दिन में एजी की आँख खुलती है। ये कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? एजी के हाथ पांव भी ठीक हो गए होते हैं। यो यहाँ पर आती है और कहती है, कर्नल हिरागी ने तुम्हें ठीक किया है। ये कहता है, हम कहाँ पर हैं? ये कहती है कि तुम ओसाका सिटी के नीचे टनल में हो। ये बेसिकली एक सेफ हाउस है। एजी अभी से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। ये कहती है, आज रात वो लोग गैनाई के हेडक्वार्टर्स पे हमला करने वाले हैं और उनका मेन मकसद गैनाई को रोकना है और सेना को बचाना। लेकिन कॉलनर ने कहा है कि एजी को यहीं बंदी बना के रखना, हम तुम्हें दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दे सकते। एजी कहता है, मैं यहाँ ऐसे रह कैसे सकता हूँ? यो पास जाती है और इसे किस करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। आया हीटो यशिस्नो को बता रहा होता है कि बैनकाई और कागे क्यों ने मोटोइस और माउंट इबुकी के प्रिस्टेस को बचा लिया है। ये कहता है, तो फिर अब शुरू करते हैं। और अब यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।